क्लास सेवन सब्जेक्ट साइंस लेक्चर सिक्स, ये आपको ऑनलाइन क्लास हेल्प एस्टिमेंट्री तमपुर रोड कुशीनगर के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। साइंस में और भी हेडिंग आपको पढ़ाए गए हैं, लेकिन इसमें देखिए ये चैप्टर है एलिमेंट कंपाउंड साइंस केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको सबसे पहले हम एलिमेंट कंपाउंड्स के विषय में लेक्चर सिक्स में ही पढ़ाए हैं, उसी में का ये पार्ट है जो एलिमेंट्स और कंपाउंड पढ़ा चुके हैं, उसी का पार्ट है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स को हम देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे, इसलिए लेक्चर सिक्स लिखा हुआ। सिक्स का जो पार्ट इसमें शेष है पहले के वीडियो का, उसी पार्ट को हम इसमें बना रहे हैं, क्योंकि बड़ा होने से इतना दिया था। मिक्सचर व्हेन टू आर मोर सबस्टांस आर पुट टुगेदर इन एनी रेशियो एंड इन बाद नो केमिकल रिएक्शन आर बांड द मैटेरियल दैट कम्स आउट इन मिक्सचर। जैसे मैंने आपको एलिमेंट के लिए बताया था, कंपाउंड्स के लिए बताया था कि आवश्यक है जो एलिमेंट कम्बाइंड होते हैं एटम्स, वह एक फिक्स रेशियो में होता है कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर में वही बताया हूँ कि यह कोई आवश्यक नहीं होता है कि यह एक फिक्स रेशियो में रहेगा, यह फिक्स रेशियो में होता ही नहीं है। इसके एटम जो है विदाउट एनी फिक्स रेशियो वो कंबाइंड होते हैं और मिक्सचर को बनाते हैं। द परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड यूजिंग केमिकल मेथड, फॉर एग्जाम्पल साल्ट फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग एवापोरेशन मेथड। इसके जो मिक्सचर में ये जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को आप अलग कर सकते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा। तो जैसे आपको साल्ट एंड वाटर है, इसको एवापोरेशन मेथड से अलग हम कर सकते हैं। फिगर को देखिए, ये बनाया गया है साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है और इसको यहाँ पर एवापोरेटिंग डिस्क और यहाँ पर बंसिन बर्नर है। मिक्सचर साल्ट एंड सैंड एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है जबकि एवापोरेशन मेथड से ऊपर वाटर के वेपर है, तो इसको हम साल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिक्सचर को देखा और फिर इसमें आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, क्या अंतर होता है कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में, इसके डिफरेंस को यहाँ पर बताए गए हैं। आप इसमें ध्यान दें, मिक्सचर्स है कंपाउंड्स है। मिक्सचर्स का फर्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इन फॉर्मेट दिस इन्वॉल्व्स नो केमिकल बॉन्ड। इसमें न कोई केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और न कोई इस प्रकार से जो कंपाउंड इसमें नहीं बनता है। दूसरी कंडीशन, इसमें कंपाउंड में आते हो तो एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली फॉर्म न्यू कंपाउंड्स एंड दे आर ज्वाइंड बाय केमिकली बॉन्ड, केमिकली बॉन्ड्स के द्वारा ज्वाइन होते हैं। सेकेंड इसमें देखिए द कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन, जबकि इसमें है द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, इसमें फिक्स होता है। थ्री है इसमें द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर लिखा है दे आर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इसमें है द कंपाउंड है डिफरेंट प्रॉपर्टी दैन द एलिमेंट इट हैज बीन मेड फ्रॉम, जो इसमें है इसको आप ध्यान से देखेंगे। फोर्थ है इसमें द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, ये आपको मिक्सचर के लिए है। कंपाउंड में है द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये सेपरेट कर सकते हैं।
इस तरह से आप वीडियो आपका या आपके आप तक पहुंच गया, आप इसको तैयार बनाएंगे, होमवर्क बनाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगा उसे हम फिर समाधान करेंगे। देखिए बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर सिक्स का एक पार्ट होने की वजह से लेक्चर सिक्स लिखा गया है, इसके पहले वाले वीडियो को भी देख लेना है। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में